शैतान इंसान पर मुख्तलिफ तरीक़ों से हमलावर होता है। जब इंसान गुनाहों से परहेज़ करता है और नेकी की तरफ माइल रहता है, तो उस वक्त शैतान इस तरह के हमले करता है कि उसकी तमाम तर नेकी ज़ाया हो जाए और उसके दिल में या उसके दिमाग में आकर ये वसवसे डालता है कि तू तो बहुत नेक है और ये सब जो हैं गुनाहगार हैं, काफिर हैं, दोज़खी हैं। तो इस तरह के गुरूर में जब इंसान मुब्तला हो जाता है तो उस वक्त उसकी तमाम तर नेकी के ज़ाया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए हर वक्त और हर पल शैतान के हमलों से होशियार रहें और अपने माइंड में इस बात को ज़रूर रखें कि शैतान किसी भी तरह से हमें दोज़ख की तरफ लेके जाना चाहता है और वो हमारा पक्का दुश्मन है और एक कमिटेड दुश्मन है। इसलिए उसके हमलों से बचना बहुत ज़रूरी है।